खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 24 जून है और दिन है शुक्रवार। आज जैसे दोपहर अपडेट में आपको जानकारी दी थी कि हल्का सा सुधार या स्टेबल बाजार दिखाई दिया है। हालांकि कुछ मंडियों के अंदर 50 रुपए तक का सुधार हुआ है, लेकिन सलोनी प्लांट ने 25 रुपए का बाजार डाउन किया है। कॉटन में आज कोई बड़ा परिवर्तन ये है कि कॉटन बाजार डाउन जाता हुआ दिखाई दे रहा है। विस्तार से चर्चा शुरू करें इससे पहले आपसे निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। सरसों बाजार के अंदर देखिए, ये जरूर है कि बाजार गिरावट की तरफ बढ़ा था और उसके बाद एक ठहरा हुआ सा माहौल दिखाई दे रहा है, लेकिन आगे आगे सरसों के जो खपत है उसमें बढ़ने की ही गुंजाइश है, घटने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि सरसों की जो उपलब्धता है वो उतनी नहीं है जितनी हमें आवश्यकता है। हमें करीब करीब 5 लाख गट्टे प्रतिदिन की हमारी खपत है और हमारी जो आवक हो रही है वो 2.5-3 लाख गट्टे की हो रही है। तो आगे चल कर के ये दिक्कत बढ़ेगी, सरसों की उपलब्धता का संकट बढ़ेगा। और मुझे तो ये भी लगता है कि दूसरे जो खाद्य तेल जिनके आज बाजार बहुत बुरी तरह से गिर रहे हैं, इनके अंदर भी जो बाजार है वो फिर से तेजी आएगी और बाजार सुधरता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि आगे आगे खाद्य तेलों का जो उपलब्धता का संकट है वो बढ़ने वाला है। ये अलग आपको दृश्य दिखता होगा कि इंडोनेशिया ने पाम तेल बढ़ा दिया है और मलेशिया का निर्यात बढ़ रहा है और ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ये सब चीज़ें एक दिखावी आंकड़े हो सकते हैं। आने वाले समय के अंदर इन सब चीज़ों की एक असली तस्वीर सामने आ सकती है। और क्योंकि हमारा जो एक लक्ष्य है वो सिर्फ सरसों है, सरसों के अंदर मुझे मंदा दिखाई नहीं देता है। बीच बीच में थोड़ी बहुत कोई गिरावट 50 रुपये की 100 रुपये की कहीं आ सकती है, लेकिन आगे आगे जैसे अगर 50 रुपये बाजार टूटेगा तो 100 रुपये सुधरेगा, 100 रुपये टूटेगा तो 150 रुपये सुधरेगा। इस रफ्तार से बाजार जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। सरसों में कुल मिलाकर के डाउन की, सरसों में मंदा रहने की संभावना नहीं है। कुछ दिन और हमें सब्र करना पड़ सकता है। ये जो बाजार इंटरनेशनल बाजार जो गिर रहा है, वैश्विक मंदी की आहट दिखाई सुनाई पड़ रही है, इन सब कारणों से एक बार ऐसा लगता है कि बाजार नहीं बढ़ेगा और तेजी नहीं आएगी और ऐसा नहीं होगा और वैसा नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है। सरसों विदेश से नहीं आती है हमारे पास, सरसों तेल विदेश से नहीं आता है और सरसों की जो कोई इस तेल का कोई विकल्प नहीं है, दूसरे तेलों का ये विकल्प नहीं बन सकता है, इसलिए सरसों के अंदर मंदा आने की संभावना बहुत कम है। कॉटन में देखिए, जो एक तो इंटरनेशनल मार्केट का जो सारा माहौल है वही गिरावट की तरफ है, लेकिन रुई की डिमांड कम होने से इसके अंदर जो गिरावट बढ़ रही है बाजार के अंदर, ये कंटिन्यू जारी है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण इस समय बन रहा है वो ये है कि कॉटन की जो बिजाई है, आप हरियाणा पंजाब राजस्थान को मत देखिए, उत्तर भारत के एरिया को मत देखिए, आप मध्य प्रदेश महाराष्ट्र गुजरात तेलंगाना इन 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 क्षेत्रों की बात करें, हमारा जो डेली बुलेटिन आता है विशेष अखबार सुबह प्रतिदिन, उसमें हम बड़ी विस्तार से इस तरह की चीज़ों को प्रकाशित कर रहे हैं कि किस एरिया में कितना कपास की बिजाई बढ़ रही है और कैसे बढ़ रही है, कहाँ क्या हो रहा है, इसी तरह से सरसों में क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें भी हम छापते हैं। बहुत से लोग कहते हैं ग्वार का वीडियो बनाइए, ग्वार के बारे में हमारे जो अखबार में है उसमें सप्ताह में एक रिपोर्ट तो ज़रूर छपती है, ऐसी बासमती के बारे में बड़ी डिटेल से खबरें छपती हैं, गेहूं के बारे में छपती हैं। खैर ये विषय अलग है। कुल मिलाकर के अब कॉटन बाजार के अंदर आज भी कईयों ने पूछा है कि कॉटन में क्या लगता है, मैं 15 दिन से बोल रहा हूँ कि कॉटन में अब तेजी नहीं है, अब बाजार डाउन की तरफ जाएगा और बाजार में अब सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर उन्हीं शब्दों को फिर दोहरा रहा हूँ कि बाजार अब डाउन जाएगा। आइए कुछ मंडियों के भाव देखते हैं। भरतपुर का आज का भाव है 6465 रुपये, कल से कुछ ठीक है। सरसों की बात हो रही है, सलोनी का भाव है 7300 रुपये, कल शाम को था और आज सुबह 7300 पर ही खुला था और 7275 रुपये इस समय भाव है। जयपुर 6925 रुपये के आसपास है, दिल्ली 6600, ग्वालियर 6300, मुरैना 6250, नागौर 6465, टोंक 6555, बरवाला 6380, अलवर 6525, निवई मंडी 6878, 6875, एलनाबाद 6363, खेरली 6595, सिरसा 6300, आदमपुर 6500, गंगानगर 6225, बठिंडा 6600, केसरी सिंहपुर 6090,
खैरथल मंडी 6550, चरखी दादरी 6600, बारा मंडी 6269 और मंदसौर 6440। नरमा आज सिरसा और अलनाबाद और आदमपुर में 10,500 रुपए से 10,200 रुपए से लेकर के करीब 11,000 रुपए तक अधिकतम भाव में बिका है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।